गुटिया मछलियाँ गांव वालों को निगलने लग जाती हैं। गुटिया मछलियों के आतंक से एक बार गांव में अचानक सूखा पड़ जाने से किसान और उनके बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। दुखी होकर एक किसान भगवान को याद करता है। हे प्रभु, आप यह हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? कई महीनों से बारिश न होने के कारण हमारे खेत बंजर होते जा रहे हैं। खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं उगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हे प्रभु, कृपा करके इन मुश्किल दिनों में हमारी मदद कीजिए। इतना कहकर वह किसान अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ चुड़ैलें अचानक से गाँव में आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन, लगता है इस बार सूखा पड़ने से गांव वालों के खेतों में अनाज नहीं होगा। यह गांव वाले भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। यही मौका है हम इन भूखे लोगों का फायदा उठाते हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाते हैं। चलो बहन, इन भूखे गांव वालों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों चुड़ैलें उसी समय मछली के पेड़ में बदल जाती है। अगले दिन जब वह किसान अपने खेतों में आता है, उन मछली के पेड़ों को देखकर वह किसान हैरान हो जाता है। किसान कहता है, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो मेरे खेतों में अनाज का एक दाना नहीं था और आज रातों रात अचानक से इसमें यह तीन मछली के पेड़ कहां से आ गए? इन पेड़ों पर तो बड़ी बड़ी ताजी मछलियां लगी हैं। लगता है भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। वह किसान एक पेड़ से एक मछली को तोड़ लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। आज बहुत दिनों बाद मेरे बीवी बच्चे पेट भर कर खाना खाएंगे। वह उस मछली को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके बीवी बच्चे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं जब बाकी गांव वालों को पता लगता है कि उस किसान के खेत में मछली के पेड़ उगे हैं, तो कुछ गांव वाले भी उस किसान के घर इकट्ठे हो जाते हैं। भाई, हमने जो सुना है क्या वह सच है? क्या तुम्हारे खेतों में सचमुच में मछली के पेड़ लगे हैं? हमारे बीवी बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं, हमें भी यह मछलियाँ चाहिए भाई। किसान कहता है, हाँ मेरे गांव वालों, ईश्वर ने यह कृपा हम सब पर की है। तुम मेरे खेतों में जाकर वहाँ से मछलियाँ ले सकते हो। उस किसान की बात सुनकर बाकी गाँव वाले भी उसी समय उन मछली वाले पेड़ों के पास पहुँच जाते हैं और वह भी उन मछली वाले पेड़ों से ही मछलियाँ तोड़ लेते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। उधर जैसे ही वह किसान उस मछली को पकाने के लिए जाता है, वह मछली अचानक से बड़ी हो जाती है। क्योंकि वह मछली भूतिया थी तो वह उस किसान और उसकी पत्नी को जिंदा ही निगल जाती है। यह सब देखकर उस किसान के बच्चे बंटी और सीमा वहां से भाग जाते हैं। वहीं बाकी गांव वालों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। भूतिया मछलियाँ गाँव वालों को निगलने लग जाती है। भूतिया मछलियों के आतंक से गाँव में हाहाकार मच जाती है। उधर बंटी और सीमा भाग रहे होते हैं और एक भूतिया मछली उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पड़ी होती है। तभी रास्ते में उन्हें इच्छाधारी नागिन और नागराज मिल जाते हैं। बंटी कहता है, नागराज, हमारी रक्षा कीजिए, एक भूतिया मछली हमें खाना चाहती है और हमारे पीछे पड़ी है। बंटी की बात सुनकर नागराज उसी समय उस भूतिया मछली को अपनी शक्ति से नष्ट कर देते हैं। नागराज कहते हैं, बच्चों, यह गांव में क्या हो रहा है? यह भूतिया मछलियां कहां से आई हैं? बंटी नागराज को सारी बात बता देता है। नागराज कहते हैं, बंटी बेटा, वह भूतिया मछली वाले पेड़ कहां हैं? तुम मुझे इसी समय उन पेड़ों के पास ले चलो। बंटी और सीमा इच्छाधारी नागिन और नागराज को उन भूतिया मछली वाले पेड़ों के पास ले आते। तभी नागराज अपनी शक्ति से देख लेते हैं कि वह तीनों भूतिया मछली वाले पेड़ तीन चुड़ैले हैं। वह चुड़ैले ही गांव में आतंक मचा रही हैं। नागराज उसी समय उन तीनों पेड़ों को आग लगा देते हैं। वह तीनों पेड़ आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं। वह तीनों चुड़ैले भी अपने असली रूप में आ जाती हैं और जलकर वहीं भस्म हो जाती हैं। चुड़ैलों के नष्ट होते ही सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं और सभी मिलकर इच्छाधारी नागिन और नागराज का धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं। एक समय की बात है, भूख से व्याकुल मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल एक जंगल में आ जाते हैं। मोटू कालिया राक्षस कहता है, अरे चुड़ैल, कब से हम खाने की तलाश में ऐसे ही भटक रहे हैं? मुझे जल्द से जल्द खाना चाहिए, वरना मैं तुमको ही मार कर खा जाऊंगा। तभी चुड़ैल की नज़र तालाब की मछलियों पर पड़ती है। उन बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, वह देखो इस तालाब में कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। यह तालाब तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चलो इन मछलियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल तालाब में छलांग लगा देते हैं और मछलियों को पकड़कर खाने लगते हैं।
मोटू राक्षस कहता है। अरे वाह चुड़ैल, तुम तो सही कह रही थी, इस तालाब की यह मछलियाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मछलियाँ कभी नहीं खाई। तभी चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, यह तो कुछ नहीं, जब यह मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तो इन मछलियों की रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मोटू राक्षस कहता है, हाँ हाँ चुड़ैल, मुझे वह जलपरी चाहिए, बताओ कहाँ है वह जलपरी। सब्र करो मोटू राक्षस, जल्द हम उस जलपरी को भी अपना खाना बनाएंगे, तब तक हम इस जंगल के जानवरों और मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। ऐसे ही मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जंगल के बाकी जानवरों को भी मारकर खाने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही तालाब की कुछ जलपरियां आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहां मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल आ जाते हैं। जलपरियों को देखकर मोटू कालिया राक्षस के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह चुड़ैल, यह तो एक नहीं बल्कि दो दो जलपरियां हैं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मुझे ये जलपरियां खानी है। ऐसा कहकर मोटू कालिया राक्षस तालाब में छलांग लगा देता है। मोटू कालिया राक्षस एक जलपरी को पकड़ लेता है, दूसरी जलपरी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। चलो चुड़ैल, इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जलपरी इच्छाधारी जलपरी के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। इच्छाधारी जलपरी कहती है, जलपरी बहन, हम इस प्रकार उस राक्षस और चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहकर इच्छाधारी जलपरी एक शेर से कहती है, हे शेर महाराज, आप जल्दी से गांव जाइए और साधु बाबा को लेकर आइए, मुझे उनकी सहायता चाहिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर शेर महाराज उसी समय जंगल से चले जाते हैं और अगले ही दिन साधु बाबा को लेकर जलपरी के पास आ जाते हैं। जलपरी साधु बाबा को सारी बात बताती है। साधु बाबा, एक राक्षस और चुड़ैल हमारे इस जंगल में घुस आए हैं। उन्होंने जंगल के कई जानवरों को अपना खाना बना लिया है और अब वे दोनों हमारी जलपरी बहन को भी खाना चाहते हैं। उसे बचाने में आप मेरी सहायता कीजिए। इच्छाधारी जलपरी की बात सुनकर साधु बाबा अपने अंतर्मन की शक्ति से सब देख लेते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे इच्छाधारी जलपरी, उस राक्षस से जलपरी को बचाने के लिए मेरे पास एक योजना है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल जलपरी को खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय साधु बाबा एक घड़ा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। साधु बाबा मोटू राक्षस से कहते हैं, हे राक्षस राज, आप जिस जलपरी को खाना चाहते हैं वह जलपरी यह नहीं है, इससे भी बड़ी इच्छाधारी जलपरी इस घड़े में आपका इंतजार कर रही है। राक्षस कहता है, आहा, मुझे वह बड़ी जलपरी चाहिए। परंतु चुड़ैल बहुत चालाक होती है, वह समझ जाती है कि यह सब उस इच्छाधारी जलपरी की एक चाल है। वह मोटू राक्षस को घड़े के अंदर जाने से मना करती है, परंतु बड़ी इच्छाधारी जलपरी को खाने के लालच में मोटू कालिया राक्षस चुड़ैल की बात नहीं सुनता है और छोटा होकर उस घड़े के अंदर चला जाता है। मोटू राक्षस के घड़े के अंदर जाते ही साधु बाबा घड़े का मुंह बंद कर देते हैं। मोटू कालिया राक्षस घड़े के अंदर कैद हो जाता है। अरे इस घड़े में तो कोई जलपरी नहीं है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे कोई इस घड़े का मुंह खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चुड़ैल कहाँ हो तुम, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसी समय इच्छाधारी जलपरी भी वहाँ आ जाती है। मोटू कालिया राक्षस को इस हालत में देखकर चुड़ैल कहती है, अरे मोटू राक्षस तो गया, अच्छा होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, वरना मोटू राक्षस की तरह ये दोनों मुझे भी इस घड़े में बंद कर देंगे। चुड़ैल उसी समय वहाँ से भाग जाती है। इच्छाधारी जलपरी साधु बाबा का धन्यवाद करती है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया।